हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी पॉइंट नंबर वन पे। यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उर्दू टीचर से रिलेटेड। उर्दू टीचर का जो है वैकेंसी निकल के आ रहा है, देखते हैं क्या है इस न्यूज़ नोटिफिकेशन में। यहाँ पे उर्दू, फारसी, अरबी में शिक्षकों की नियुक्ति को विशेष TET ST ET, देखते हैं क्या है न्यूज़ में। शिक्षा मंत्री ने क्या ने दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के कक्षा 1 से 5 तक के पेपर 1 तथा कक्षा 6 से 8 पेपर 2 का आयोजन होगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उर्दू, फारसी और अरबी विषय के कक्षा 9 से 10 के लिए पेपर 1 तथा कक्षा 11 से 12 पेपर 2 आयोजन करने का विचार किया जा रहा है। दरअसल उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के योग्यताधारी छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिलकर अपनी व्यथा रखी थी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के संज्ञान में आया कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी तथा अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ गई है। इसका मार्च या अप्रैल में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगर सरकार मान गई तो, इसका शिक्षक भर्ती का। इसलिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल सके और भी किसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।